नक्शा जो जेडी ने सबमिट किया 150 फीट का वो यही है, यूँ घूम रहा है और यूँ जा रहा है, वो उसी का अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो फिर निशान लगे हुए वाले कौन से निशान लगे हुए ना वहाँ पे? निशान नहीं लगे, देखो निशान क्या है, फिर वाला निशान लगा रखे हैं अपने पास, यही निशान अपने निशान ही नहीं लगाए यहाँ पे, तो वाले निशान उन्होंने लगा दिया अपने आप। कुल लिए आपने यहाँ क्लियर कट है, नाले की नक्शे के अकॉर्डिंग है बिल्कुल एक एक अंश है। आपको आपके बोल रहे आप दिखा दो नक्शा, बिल्कुल दिखा देंगे नक्शा आपको, दिखा देंगे अरे यहाँ भी दिखा देंगे, सबको दिखा देंगे, इनको भी दिखा देंगे। नितिन जी, आज नगर निगम में कार्रवाई शुरू की हमारे साथ, कार्रवाई कितनी सेंट्रल लाइन की कितनी जगह सेंट्रल लाइन से 75 फुट उस साइड, 75 फुट राइट और लेफ्ट, और करीबन 150 फीट एक बाउंड्री बॉल है, 3-4 पोखरियाँ थी जो एक बाउंड्री बॉल है, ये तो हमने परमानेंट कंस्ट्रक्शन है वो हटाया, बाकी जो डायरेक्शन थे उस हिसाब से इसको नाले को बिल्कुल साफ कर रहे हैं, पेड़ पौधे वगैरह हैं ये भी हटा रहे हैं। स्ट्रक्चर हटाए ना अभी, 4-5 दिन जो कोटरियाँ थी वो हटाई है, बाउंड्री करीबन 150 फुट की बाउंड्री बॉल थी वो हटाई है, दो एक बाउंड्री बॉल और थी वो भी हटाई है, जो परमानेंट स्ट्रक्चर थे वो भी हटाए, खेती हुई थी वो हटाई है, खेती है वो भी हटाई है। कुछ लोग यहाँ के स्थानीय निवासी कह रहे हैं कि सेंट्रल लाइन या कुछ यहाँ निशान लगाया गया है लेकिन कार्रवाई जरूरत नहीं, हमारे नगर निगम द्वारा इस प्रकार का कोई निशान नहीं लगाया गया, हमने जो सेंट्रल लाइन में जो लास्ट बाउंड्री बॉल जो आपको दिखाई दे रही है वो लास्ट बाउंड्री बॉल है, इधर भी इसके कोई निशान लगाने का कोई नहीं है। आज ही करीब कहाँ से कहाँ तक चलेंगे? ये पुलिया से लेकर करके और आगे दुर्गापुरा कॉलोनी आती है, ये उस कॉलोनी तक चलेंगे, लगभग 500-550 मीटर की लगभग की कार। तो कितने कोई मकान भी आएंगे क्या 550 रेडिएशन में? आए ना मकान, कितने मकान तोड़े जाएंगे? ये 3-4 परमानेंट स्ट्रक्चर थे और 3 बाउंड्री बॉल थी। और आगे तक कितना है टोटल? अगर ये आज तक का जो प्रोग्राम है वहाँ तक, फिर आगे के हिसाब से देखते हैं।